दोस्तों अगर आप ICICI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि HDFC बैंक के बाद सिर्फ ICICI बैंक ही एक ऐसा बैंक है जहां पर मुझे इतना सुविधा दिया जाता है। सबसे पहली बात ये कि आप यहां पर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहां पर आपको ब्रांच या फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा आप इसमें जीरो बैलेंस के साथ अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी पैसा मेंटेन करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो मेंटेन करके रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद आप जब भी ICICI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं ऑनलाइन, तो आपको इंस्टेंटली तुरंत वहां पर अकाउंट नंबर और आपके IFSC कोड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके जो भी रुपए डेबिट कार्ड होगा या फिर जो भी आपका चेकबुक होगा, जो भी आपके पासबुक होगा, वे सब चीजें आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर में पहुंचा दिया जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 वीक या फिर 2 वीक का टाइम लगेगा। मतलब जैसा सिस्टम आपके एड्रेस के पोस्ट ऑफिस का होगा, उस हिसाब से टाइम टेबल आपके एड्रेस पर में आपका चेकबुक, आपका पासबुक और आपके रुपए डेबिट कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों के गांव में तो ऐसा डाकघर है जहां पर में हमारा अगर कोई चिट्ठी आता है तो वे वहां पर ही सर जाता है, बल्कि घर पे नहीं पहुंचाया जाता है। अब आप लोगों के तरफ जैसा सिस्टम होगा उस हिसाब से आपके एड्रेस पर में पहुंचा दिया जाएगा, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस पर में जाकर के पता करते रहिएगा। जब भी आपका वेलकम किट आएगा आप उसको रिसीव कर लीजिएगा। इसके अलावा जब आप ICICI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए आपका रुपे डेबिट कार्ड आया। इसके अलावा आप अगर कोई अदर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए, मास्टर कार्ड के लिए, वीजा के लिए, तो आप उन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी सुविधा दिया गया है, तो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप ICICI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए। इस वीडियो में आपको हम ICICI बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, साथ में आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कैसे कंप्लीट करेंगे वे भी, और आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की यूज कैसे करेंगे, सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ICICI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहां पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहां पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो भी मोबाइल नंबर होगा वे मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल कर देना है। आपके जो भी ईमेल आईडी होगा वे ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद इस टर्म्स को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और आपके जो भी पैन कार्ड के नंबर होंगे वे पेन नंबर को आपको यहां पर फिल करना और यहां से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहां पर फिल करना है। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके जो भी आधार नंबर होगा वे आधार नंबर को आपको यहां पर फिल करना है, और इस टर्म्स को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहां पर फिल करना है। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछे जाएंगे, तो आप अपना मैरिटल स्टेटस यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन पूछे जाएंगे, अगर आप डिपेंडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, जो भी आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछे जाएंगे, तो आपका जो भी माध्यम से इनकम आता है वे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अगर बिजनेस इनकम है तो यहां पर बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे। पेंशनधारी हैं तो पेंशन सेलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर या फिर इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहां से अपना एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन। इसके बाद आपको अपना इनकम रेंज सेलेक्ट करना है कि आप एक साल में कितना अर्निंग कर रहे हैं। इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको यहां से अपना नॉमिनी सेलेक्ट करना है कि आप नॉमिनी में किसको ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहां पर आई डोंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी के नेम, नॉमिनी के मदर्स नेम और उसके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे।
इसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अगर आप इंडिया में टैक्स भरते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, अगर आप इंडिया में टैक्स नहीं भरते हैं तो आप यहाँ से नो करेंगे। इसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यहां से यस करेंगे, अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो आप यहां से नो करेंगे, और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है, आप कहीं और रहते हैं, तो आप यहां पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा फिल करेंगे, आप डेबिट कार्ड पासबुक चेकबुक वगैरह कहां पर मंगवाना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहां पर पैलेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है कि आप का जन्म कहां पर हुआ था। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पर जो भी एड्रेस फिल करते हैं उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड आपका चेकबुक वगैरह सेंड किया जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आपके परमानेंट एड्रेस पर ही आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक वगैरह सेंड किया जाएगा। इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके पूरा डिटेल्स आ जाएंगे, आप जो भी डिटेल्स वगैरह फिल किए होंगे, आपका एड्रेस वगैरह आप यहां से देख लीजिए। अगर आपका एड्रेस कोई गलत है या फिर कुछ भी तो आप यहां पर पेंसिल पर क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा एड्रेस सब कुछ सही है तो आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप यहां से टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहां से कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पर, उस OTP को यहां पर फिल करेंगे, उसके बाद फिर यहां से कंटिन्यू। इसके बाद आप अपने अकाउंट में फंड जमा कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 2000 से 50000 रुपया तक अपने अकाउंट पर जमा कर सकते हैं। इसके लिए यहां से हम अमाउंट को चूज करेंगे और फंड अकाउंट पर क्लिक करके यहां पर पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी स्किप कर देते हैं, पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, हम जीरो बैलेंस पर भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, आपका अकाउंट ओपन किया जा रहा है। इसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो गया है, जो भी हमारा अकाउंट नंबर है वे अकाउंट नंबर मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा IFSC कोड है और यहाँ पर मेरा ब्रांच है, जो भी ब्रांच में मेरा अकाउंट ओपन हुआ है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आई कॉन्फर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आप जब स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे और आपका वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC होने लगेगा, तो इससे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि आपको एक सादा कागज़ पर में आपको अपना सिग्नेचर करके रखना है और अपना पैन कार्ड ओरिजिनल वाला अपने पास में रखना है, ताकि जब आप वीडियो KYC करेंगे तो वहाँ पर आपसे सिग्नेचर मांगे जाएंगे, तो आपको सिग्नेचर वहाँ पर दिखाना है। इसके साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट होगा पैन कार्ड ओरिजिनल वाला, वे पैन कार्ड आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दिखाना होगा। इसके बाद फिर आपके फुल KYC वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID मिल जाएंगे, इसको आपको कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड जेनरेट करने के लिए यहाँ पर जेनरेट नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो भी यूज़र आईडी होगा, जो मैंने बोला हुआ था कि आपको कॉपी करके रख लेना है, उस यूज़र आईडी को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो भी मोबाइल नंबर से आपने अभी अकाउंट ओपन किए हैं, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। अगर आपने यूज़र आईडी को कॉपी नहीं किया या फिर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ से गेट यूज़र आईडी पर क्लिक करके अपना यूज़र आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने अपना यूज़र आईडी यहाँ पर फिल कर दिया हूँ, मोबाइल नंबर दे देता हूँ और यहाँ पर गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह के शो करता है, मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ टाइम लगेंगे, आप थोड़ा समय के बाद फिर से आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बाद में फिर से अपना यूज़र आईडी के पासवर्ड को जेनरेट करने के लिए आप ICICI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे इस पेज पर, और यहां पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो भी यूज़र आईडी होगा उस यूज़र आईडी को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद गेट पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी को ऐड कर देना है, जो भी आपका यूजर आईडी होगा। इसके बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक यूनिक नंबर सेंड किया जाएगा, जिस तरह से ओटीपी आता है, तो उस यूनिक नंबर को आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद यहां पर गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर अपना न्यू पासवर्ड, मतलब आपको जो भी पासवर्ड रखना है, उस पासवर्ड को आप यहां पर फिल करेंगे और उसी पासवर्ड को फिर से यहां पर री एंटर करेंगे और यहां से गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। पासवर्ड फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग रखना है। इसके बाद यहाँ से गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड जेनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ पर लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना यूज़र आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो भी पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर पासवर्ड चेंज करना होगा फर्स्ट टाइम, तो आप यहां से जो भी पासवर्ड ऐड किए हुए थे वे पासवर्ड आप यहां पर फिल करेंगे, और आप जो भी न्यू पासवर्ड ऐड करना चाहते हैं, न्यू पासवर्ड आप यहां पर फिल करेंगे और उसी न्यू पासवर्ड को आप फिर से यहां पर री एंटर करेंगे और यहाँ से अपडेट करेंगे। आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और आपसे पूछे जाएंगे कि क्या आप WhatsApp सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप यहां से सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप यहां से इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या होगा कि कोई भी अपडेट आएंगे तो आपको WhatsApp पर वे अपडेट मिलते रहेंगे। इसके बाद आप यहां से इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग के सभी फैसिलिटी मिल जाएंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन कहीं पर बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कार्ड के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट बैंकिंग के जो भी फैसिलिटी होते हैं वे सब काम आप यहाँ से कर सकते। तो इसी तरह से आप ICICI बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई अदर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।